जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। खबर जालौन से, फिर हुई जालौन जिले में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में सात अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली, 188,000 रुपए से अधिक नकद रुपए तथा करीब 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद। गिरफ्तार किए गए बदमाशों का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया। सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। जालौन जिले की कुठौन थाना पुलिस को मिली सफलता, ये बड़ी खबर जालौन मेट्रो पर इस वक्त आप देख रहे हैं। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 7 अंतर जनपदीय बदमाश गिरफ्तार और एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। इस खबर पर लाइव देवेश स्वर्णकार जी जुड़ रहे हैं। जी देवेश जी, क्या घटनाक्रम है? अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज जनपद जालौन की कुठौन थाना पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। दरअसल क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र कुमार गौतम ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक एक बदमाशों के गिरोह के साथ कुठौन थाना पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलियां चली हैं और गोली चलने में एक बदमाश घायल हुआ है। उसका नाम मुजाम बताया गया और उसके खिलाफ जालौन सहित अंतर जो अन्य जिले हैं उन पर लगभग एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। 7 बदमाश कुल गिरफ्तार किए गए हैं। 7 का आपराधिक इतिहास है। 7 के खिलाफ जालौन, कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, महोबा, अन्य जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से अवैध असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस भी कुछ बरामद हुए हैं, 188,000 रुपये के आसपास नकद बरामद हुए हैं। साथ ही चोरी किए गए आभूषण लगभग 3 लाख रुपये के आसपास जिनकी कीमत बताई जा रही है, कुछ और पीतल का सामान है वो भी बरामद हुआ है। साथ ही चोरी या नकबजनी में इस्तेमाल करने वाले कुछ उपकरण हैं वो भी बरामद हुए हैं और इनका सबका आपराधिक इतिहास सामने आया। इन सब के खिलाफ जालौन के अलावा अन्य ज़िलों में कई जो है मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से ज़्यादातर झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात, महोबा और जालौन ज़िले के रहने वाले हैं। फिलहाल सभी बदमाशों को कुठौन थाने में लाया गया और उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो घायल बदमाश है उसको इलाज के लिए भेजा गया है। आज दिनांक 6/10 को SOG सर्विलांस टीम जालौन तथा थाना कुठौन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों तथा आसपास के जनपदों में चोरी करने वाले गैंग के 7 अंतर जनपदीय चोरों को चोरी की योजना बनाते व माल बंटवारा करते समय भारी मात्रा में चोरी किए गए सामान, सोने व चांदी के आभूषण, अवैध असलाह कारतूस तथा सब्बल एवं अन्य सामान सहित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक अभियुक्त को गोली लगने से घायल हुआ है। अभियुक्त गणों के कब्जे से 188,415 रुपए नगद तथा अवैध असलाह व कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में एक अभियुक्त निजाम घायल हुआ है, जिसे वास्तविक इलाज अस्पताल भेजा जा रहा है। अभियुक्त गण अत्यंत सातिर किस्म के हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त उपरोक्त के संबंध में सुसंगत धाराओं में थाना कुठौन में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।